जो भर्ती कार्यालय का हेडक्वार्टर है बिहार में दानापुर में, उसने अपनी आगामी जो भर्ती होनी है अग्निवीर प्रक्रिया के तहत, इसका नोटिफिकेशन अभी जारी किया है, जिसमें जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती का जो आवेदन है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा 2022। अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है और उसके बाद जो है एप्लीकेशन करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। अब जो आपकी भर्ती है वो 7 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक होगी, यानी फिजिकल टेस्ट आपका 7 अक्टूबर से शुरू करके 23 अक्टूबर तक लिया जाएगा। ये भर्ती जो है इसका स्थान वो जडारो दानापुर में ही है, है ना, ये चांदमारी है, डिफेंस कॉलोनी दानापुर कैंट, दानापुर कैंट में ही भर्ती ऑर्गेनाइज की जाएगी, यानी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आपका वहीं पे लिया जाएगा। अब जो ज़िले दानापुर जडारो में अप्लाई कर सकते हैं या जो भर्ती देखेंगे वो है पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सरन, गोपालगंज और वैशाली, यानी ये सब जो ज़िले हैं इसके युवा जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीडी में जो है 10वीं पास कैंडिडेट हो, 45% नंबर हो, क्लर्क में जो है दूसरी जो ट्रेड क्लर्क, इसमें आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से 12वीं में 60% नंबर हो और किसी भी सब्जेक्ट में 50% नंबर से कम ना हो, ठीक है, यानी फर्स्ट डिवीजन हो आपकी और 12वीं आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ी हो, इंग्लिश के साथ में आपके पास मैथ हो, मैथ अगर नहीं है तो अकाउंट्स हो, अकाउंट्स नहीं है तो बुककीपिंग हो। तो अब इसमें कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो 8 से 12वीं किया है, मेरे पास मैथ भी नहीं हो सकता, कॉमर्स भी यानी अकाउंट्स भी नहीं हो सकता और बुककीपिंग भी नहीं। तो बच्चों आर्ट्स में मैथ होता है, हो सकता है आपके बोर्ड में ना हो, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनके जो एजुकेशन बोर्ड हैं वहाँ पे आर्ट्स विद मैथ होता है, मैथ के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट लेके आप मैथ से 8 से 12वीं कर सकते हो, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मैथ नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल में साइंस PCM से 12वीं पास हो, 50% नंबर हो और ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास और 8वीं पास ट्रेडमैन है, दोनों में या तो 10वीं पास हो या 8वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया वैसे ही रखी है जैसे पहले थी, यानी पहले दौड़ होगी 1600 मीटर की, ठीक है, 1600 मीटर 5.5 मिनट में करनी है आपको, या दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो 5:45 तक बनेगा, 5:45 तक, ठीक है, दो ग्रुप बनेंगे, फिर 10 बीम लगवाएंगे। ये जो रनिंग है ये 60 नंबर की है जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए, बाकी क्लर्क में और टेक्निकल में इसके नंबर नहीं मिलेंगे। जो बीम है ये 40 नंबर की है आपकी, तो 100 नंबर का फिजिकल होगा आपका और एक 9 फिट का जंप करना है, एक जिगजैग बैलेंसिंग, ये दोनों क्वालिफाइंग है। तो ये जो फिजिकल जो बच्चा पास करेगा उसको मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल में जो फिट कैंडिडेट पाए जाएंगे उनको रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट जीडी में और ट्रेडमैन में जो है 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स, क्योंकि फिजिकल का जो है इसमें 100 मार्क्स जुड़ेगा PFT का, टोटल 200 का बनेगा ये। और जो क्लर्क है या टेक्निकल है इसमें 200 नंबर का ही रिटन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है जो आपको अग्निवीर में भर्ती किए जाएंगे। तो क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसे ही प्रोसेस है जो पहले था। तो जो भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है या जो इसके लिए क्वालिफाइड है वो इसमें अप्लाई करे और अपनी तैयारी अभी जोरों से करे। थैंक यू, जय हिंद।